अस्सलाम वालेकुम। जो कोई भी चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मेट्रो रियल एस्टेट हैदराबाद को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ये रहेगा कि जब भी मैं मेरे चैनल पर नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक न्यूज़ आएगी कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। बेल आइकन जो होता है यूट्यूब का, उस पर आप क्लिक करें सब्सक्राइब करने के टाइम, तो जो भी वीडियो आएगी वो आपको इतला हो जाएगी। बेल पर आपको नंबर दिखेंगे, वो दबाने से आपको जो भी वीडियोस है मालूम होगा। आप किसी भी चैनल पर इस तरह कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, अभी एक जो मैं आपको फ्लैट बता रहा हूँ, जो 1250 से सेफ्टी पे है, फोर्थ फ्लोर पर है, मुगलपुरे पर है। मुगलपुरा जो मशहूर कमान है उसी के अंदर जाने से लेफ्ट साइड पे है। मैं आगे आपको पूरा लोकेशन बता लेते लाया हूँ। जो चार मीनार मशहूर है, मक्का मस्जिद, उसी के तरफ रहेगा, पिस्ता हाउस के सामने से आना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अच्छा बिल्कुल रेडी टू मूव वाला घर है, सारे सहूलतें हैं इसमें। पार्किंग की भी सहूलत बताई जा रही है आपको, लिफ्ट की सहूलत भी है, लिफ्ट भी बताया हूँ, और रेडी टू मूव है बिल्कुल आपको। ये देखिए, मुगलपुरा कमान कहलाती है ये। मैं आपको इधर साइड बता रहा हूँ, ये जो पिस्ता हाउस, शालीबंडा वगैरह जाते वो रास्ता है, और ये जो दिख रहा आपको चार मीनार है, चार मीनार से पहले आपको मक्का मस्जिद रहेगी, उसी से आपको सामने से मुगलपुरा कमान, काफ़ी मशहूर कमान है, इसी से आपको अंदर जाना है थोड़ा। और यहाँ एरियो में आपको घर वगैरह जो भी है कम बिकने के रहते हैं, और काफ़ी रेट से यहाँ पर, ये देखिए नए नए बिल्डिंग्स बने हैं। यहाँ से आपको सीधा जो दिख रहा आसरा हॉस्पिटल है, और ये मस्जिद है आगे, देखिए आप, होटल मुगल कॉर्नर बोलकर है इसी के नाम से। इसी से आपको लेफ्ट लेके अंदर जाना है, जो नया अपार्टमेंट बना है इसमें। थोड़ा आगे जाने पे आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, जो एंट्रेंस का रास्ता है बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का, थोड़ा छोटा है, लेकिन आप जैसा जाएंगे, ये एल टाइप में है बिल्डिंग पूरी, और तकरीबन फ्लैट्स इस बिल्डिंग के बिक चुके हैं, और ये एक फ्लैट बचा हुआ है बता रहे हैं भाई। देखिए बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, और इसमें दो फ्लोर पार्किंग है, एक सेलार में है, एक ग्राउंड फ्लोर पर है, तो उसके ताल्लुक से भी आप बात कर सकेंगे। ये देखिए पार्किंग एरिया है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, और यहाँ लिफ्ट है जो लेटेस्ट टाइप में है, ग्लास वाली लिफ्ट है, और यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मीटर्स वगैरह का सबका इंडिविजुअल है। ये कुछ काम अभी थोड़ा सा बाकी है भाई, फ्लोरिंग वगैरह, और ये पानी की टाकी है जो भाई बता रहे हैं, काफ़ी बड़ी टाकी है स्टोरेज की। इस सेलार में भी एक रास्ता जा रहा है पार्किंग के लिए, तो टू व्हीलर्स की पार्किंग के लिए काफ़ी सहूलत है आपको। ये देखिए आजू बाजू का एनवायरनमेंट, बाजू बाजू भी काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं, और यहाँ चारों हर चीज़ की सहूलत है, बिल्कुल सेंटर है ये सिटी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल एस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनैद एक अच्छी लोकेलिटी में आपको एक फ्लैट लाया हूँ। ये देखिए आप, सामने आपको जो नज़र आ रहा है मक्का मस्जिद है, और आगे जो दिख रहा है चार मीनार है, और मैं मौजूद हूँ अभी मुगलपुरा पर। मुगलपुरा कमान जो है उसी से थोड़ा लेफ्ट पर मैं रास्ता बता लेते आया हूँ आपको। असरा हॉस्पिटल वगैरह दिखेगा आपको, पिस्ता हाउस वगैरह। ये देखिए आप, मुगलपुरे के मैं हूँ, जो इंचार्ज है हमारे अहमद भाई वो भी मेरे साथ है। ये लिफ्ट देखिए आप, लेटेस्ट टाइप में लिफ्ट है, बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ एक फ्लैट है जो सेल के लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखें। ये देखिए आजू बाजू के फ्लैट्स हैं पूरे। तो जैसा बताया मैं, हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज अहमद भाई हैं, उनसे बात करते हैं। भाई सलाम अलैकुम। ये अहमद भाई, ये कौन सा मुकाम है जहाँ फ्लैट है? मुगलपुरा। ये अपार्टमेंट का नाम? मनी टावर। चलिए इंशाल्लाह आपको यहाँ से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जितने फ्लैट्स है तकरीबन सोल्ड आउट है। अभी ये एक फ्लैट बचा हुआ है जो 3 BHK रहेगा, यानी कि 3 बेडरूम्स है, इसमें हॉल है, किचन है। यहाँ से जैसा शुरू हो रहा है हॉल देखेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सीलिंग के साथ हॉल है, जो बालकनी भी है, आपको वॉशिंग एरिया भी कहलाएगा वो, या फिर उधर कोई दूसरी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सामने जो है 2x2 के टाइल्स है, और डबल कलर में दीवार है आपको। ये हॉल है जैसा हम इंटर हो रहे हैं, कंप्लीट रेडी टू मूव वाला घर है, यानी कि सिर्फ आपको कुछ लगाना नहीं है इसमें, हर चीज़ तैयार है। और ये बालकनी है देखिए, जो रोड के तरफ इसका फेज आ रहा है। ये वॉशिंग एरिया भी बनेगा, इधर टैप है ना अहमद भाई, ये नल है ना, ये वॉशिंग एरिया भी बना सकते।
ये देखिए पूरा अच्छा एरिया है बिल्कुल। ये यशरा हॉस्पिटल है ना? ये हॉस्पिटल है, यशरा हॉस्पिटल आपको सामने से दिख रहा। ये देखिए आप, जैसा वॉशिंग एरिया बताया मैं आपको, ये स्लाइडिंग में है ना? ये हटाइए जरा, ये स्लाइडिंग हटा बंद कर दीजिए। ये जैसा हमारा हॉल देखिए आप, जैसा हॉल कंप्लीट हो रहा है, हम जैसा अंदर जा रहे हैं इधर आपको 3 बेडरूम मिलेंगे। ये पहले वाला बेडरूम है जो सीलिंग के साथ है, यहां पर भी डबल कलर है दीवारों पे, देखिए आप, एक चॉकलेटी एक कलर है, और लो रूफ है यहां पर भी, यानी कि आपका रेयर इस्तेमाल होने वाला सामान यहां रख सकेंगे आप, काफी बड़ा है वो भी। सीलिंग सिंपल सी सीलिंग करी हुई है वार्म व्हाइट लाइट्स में, और यहां पर भी आपको एक विंडो दिया गया है, आप यहां से भी वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए जैसा हम जा रहे हैं थर्ड बेडरूम में, यहां पर आपको वॉशरूम साथ में रहेगा अटैच, यहां भी सीलिंग बहुत प्यारी है और डबल कलर में है, और यहां वेंटिलेशन आपको डबल है, यानी कि ये देखिए आप खिड़की जो आएगी दूसरे रूमों से हटके है या स्लाइडिंग वाली है, और यहां पर आपको ऑपोजिट में एक और है, और ये देखिए लो रूम देखिए काफी बड़ा है, यहाँ पर आप स्टोर करने के लिए काफी जगह है यहाँ पर, और ये बेडरूम जो रहेगा अटैच बाथरूम के साथ रहेगा। अगर आप इसको डोर को बंद कर देते हैं कंप्लीट, तो ये कंप्लीट एक रूम विद अटैच बाथरूम है, और यहाँ का वॉशरूम देखिए बहुत प्यारा है, इन वेस्टर्न में WC जो है बिल्कुल लेटेस्ट में है, सारे एक्सेसरी से शवर है आपको, एक हल्का सा बेसन भी लगा हुआ है, और ऊपर की सीलिंग थोड़ा हटके देखें ऊपर भी आपको, ये कंप्लीट एक 3 रूम हो गए हमारे, और ये कॉमन वॉशरूम है, ये देखिए आप वॉश बेसिन है, फिर यहां पर आपको इंडियन WC है, आप दूसरी तरफ जहां भी देखें पूरे वेस्टर्न में है, तो जहां अगर कोई जरूरत पर इंडियन के है फाइल है तो इंडियन भी है, और यहां भी देखिए आप टॉप देखिए बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, टाइल्स पूरे आपको टॉप तक लगे हुए हैं। ये किचन है, और किचन भी देखिए पूरा कंप्लीट है आपको, पूरे आपको शेल्स वगैरह बने हुए हैं, और लेटेस्ट में आपको टाइल्स लगे हुए हैं, आपको पानी की भी सहूलत है। मैं अहमद भाई जो इंचार्ज है उनसे भी बात करूंगा, कुछ बोल रहे हैं अहमद भाई बोलिए। 3 बोर है इसमें जी, और मीठे पानी का समय 45,000 का समय अच्छा। पानी की बेहतरी आपकी, चलिए इंशाल्लाह उस तालुक से आपसे बात करूंगा। ये देखिए किचन में जो है आपको वेंटिलेशन के लिए काफी सहूलत है, आपको डक्ट जो दी गई है बहुत तरीके से दी गई है, और या एक्सेस के लिए जरूरी है, और जैसा कंप्लीट हुआ हमारा फिर एक बार बता दूं आपको मैं, ये जैसा हॉल है बिल्कुल बड़ा वाला, और इसी को लग के 3 रूम है, ये पहला वाला रूम है जो कंप्लीट बताया मैं आपको, ये दूसरे वाला रूम है ये देखिए आप, और जैसा है तीसरा है, एक थोड़ा बड़ा है क्योंकि वॉशरूम भी इसके साथ है, अटैच बाथरूम के साथ ये बेडरूम रहेगा, हर रूम में कलर अलग अलग है जी, और देखा बताया हमने, ये देखिए ये कॉमन वॉशरूम रहेगा हॉल को लगकर, और ये किचन भी आपको कंप्लीट बता दिया। तो हमारे साथ अहमद भाई है, उनसे भी इस ताल्लुक से डिटेल ले लेते हैं। भाई सलाम अलैकुम। तो देखिए जैसा मैं आपको पूरा घर बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे साथ जो इंचार्ज है बात करते हैं। भाई सलाम अलैकुम। जी आपका नाम? सैयद अहमद है। जी अहमद भाई, ये जो आपकी फ्लैट है कौन सा मुकाम आता है? ये मोहनपुरा खाजा का चिल्ला। जी आने का रास्ता है इसको? आने का रास्ता है 3-4 रास्ते होंगे, इधर चांदीवार की तरफ से मोहनपुरा कमान बोल के मशहूर है, उसके अंदर आना है, अंदर आ सकते हैं, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो पीछे भी आ सकते हैं। जी ये मोहनपुरा जो है टाकी है ना, वहाँ से भी आ सकते हैं, टाकी के पास जो सो हैदराबाद स्कूल है वहाँ से भी आ सकते हैं, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आ सकते हैं। चलिए अगर कोई जरूरत में देखना चाह रहे हैं तो आप लोकेशन भेज देंगे, आ जाएगा। चलिए इसमें सहूलत वाली बात करूँ तो पानी की सहूलत क्या रही? पानी के 3 बोर है सब, मीठे पानी का 45,000 का समय, अच्छा मतलब पानी की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। 3 बोर है बस है पानी आपको। तो अहमद भाई इसमें पानी तो आप बता डाले, डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो क्या रहेंगे? पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरे ओके रहेंगे, पूरा ओके, बिल्कुल रेडी टू मूव है। हाँ रेडी टू मूव। चलिए तो अभी पार्किंग 2 व्हीलर है ना? 2 व्हीलर पार्किंग जो रहेंगे आप बता डालिए, इधर का एरिया। चलिए
तो अहमद भाई अगर एसएफटी में बात करूं तो कितने एसएफटी आ रहा है? 1250 एसएफटी पेपर डॉक्यूमेंट में आप बता देंगे। चलिए रेट के ताल्लुक से जो ओनर है क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई से बात कर लें, नंबर रहेगा डायरेक्ट, आइए देख लीजिए आप लोग। अदायन भी हो रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह चैनल से बने रहे, नए नए वीडियोस आपके बीच आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।